हेरे सब सौदे तकदीर के माहे फकीरिया करगी, उसी राज घराने में जन्म लिया जिसको सारा देश पप्पू के नाम से जानता है। सारी करी कराई खोदी, किस्मत की तो बात है, तकदीर की तो बात है। अब ये बताओ साहब, किसने सोचा था कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा, देश का राजा होगा? तकदीर अच्छी है। बताया पहली कली में कि समय समय की बात है, कहीं पे ठंडा है कहीं पे गर्म है। सुनिए शादी हो जाती है, शादी
बहू कुछ सालों के बाद छोड़ के चली जाए या फिर भगवान की प्यारी हो जाए, मतलब ब्याह होने के बाद भी अकेला रह जाए, एक तो वो रंडवा होता है जिसको कहते हैं रंडवा, और एक रंडवा वो होता है कि जिसकी पूरी जिंदगी निकल जाए लेकिन बेचारे को बहू के दर्शन ही नसीब ना हो, उसको कहते हैं बटंट रंडवा। अब दादा आप ये बताओ, आप रंडवे हो या बटंट हो? हैं? रंडवे हो, फिर तो आप बीच में हो, ना ब्याह ना कुवारे। कहा कि ये भी किस्मत की बात है दादा, देखो आपकी शादी भी हो गई और फिर रंडवे रह गए, तो ये तकदीर की बात है। दुनिया में ऐसा भी है कि जिनका पूरा जीवन गुजर जाए बेचारों को बहू के दर्शन ही नसीब नहीं होते, बाट देखते रहे नुको फलाने का ब्याह हो गया, मेरा पता नहीं कद होगा। दुनिया में ऐसे भी है दादा जिनकी तकदीर, जिनकी किस्मत इतनी बढ़िया बढ़िया हो, दो दो बहू, तीन तीन बहू, चार चार बहू भी रख ले, कोई कोई तो इतनी बढ़िया किस्मत हो। बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये तकदीर की बात है बाटी जी। हाँ किस्मत खिल रही है किसी किसी की। किस्मत खिल रही है, कहते ना जब किस्मत अच्छी होती है तो रेत में भी अगर पैर मारोगे तो वो भी सोना बन जाएगा, तकदीर की बात है। सुनिए देते हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अंतिम लाइनों में कहा है कि ए मूर्ख बंदे, तुझे ये मनुष्य का जन्म मिला है तो इस मनुष्य के जन्म में भजन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। क्या लिखा दादा ने? जाली वाहे फकीर।